हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सट्रूजन मोल्डिंग प्रोसेस के बारे में। एक्सट्रूजन का मतलब होता है कि किसी डाई के थ्रू मटेरियल का कंटिन्यूस फ्लो। तो बात करते हैं कि इस प्रोसेसेस में कैसे कार्य होता है, इसके एडवांटेज क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो ये डायग्राम आपके सामने है। इस डायग्राम में कुछ मेन कंपोनेंट होते हैं। अगर आप देखें, एक मोटर लगी हुई है, मोटर के बाद एक गियर रिडक्शन बॉक्स है, उसके बाद थ्रस्ट बीयरिंग है और एक बैरल आपको नज़र आ रहा है जिसको हम सिलेंडर भी कह देते हैं। यहाँ पर एक होपर लगा है और बैरल के अगर आप अराउंड देखें, कुछ यहाँ पर थर्मोकपल्स और हीटर लगे हैं और ये बैरल की लाइनिंग है। और इस बैरल के अंदर अगर आप देखें, एक रोटेटिंग स्क्रू होता है। और यहाँ पर हम देखें, एक ब्रेकर प्लेट लगी है और साथ में यहाँ पर एक डाइस का इस्तेमाल किया गया है। तो ये इसके कुछ कंपोनेंट हैं। तो बात करते हैं कि एक्सट्रूजन मोल्डिंग प्रोसेस में किस प्रकार से कार्य होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो होपर हमारे पास होता है, इसमें हम मटेरियल को डालते हैं। मटेरियल क्या क्या हो सकता है? थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है, जो विनाइल रेजिन्स हो सकता है, सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, नाइलोन हो सकता है, पॉलीप्रोपाइलिन हो सकता है, पॉली इथाइलिन हो सकता है, इसके अतिरिक्त और भी हो सकते हैं। तो इन मटेरियल्स में से आवश्यकता अनुसार जो मटेरियल हमें चाहिए उसको हम होपर में डाल देते हैं। होपर में जब उसको डालेंगे, या तो पाउडर फॉर्म होगी या फिर पैलेट्स फॉर्म हो सकती है, जो छोटी छोटी गोलियां हो सकती हैं, ग्रैनुलर फॉर्म हो सकती है उसकी, तो उसको यहाँ पर डाला जाता है। अगर हम बात करें, जो मटेरियल ग्रैनुलर फॉर्म में होता है उसके साथ कुछ एडिटिव्स को भी मिक्स करते हैं और सबसे पहले फीड होपर में उसको रखा जाता है। तो जहाँ से मटेरियल और एडिटिव्स के मिक्सचर को एक एक्सट्रूडिंग मशीन के सिलेंडर में फीड किया जाता है। ये पूरी जो मशीन है इसको हम एक्सट्रूडिंग मशीन इसको बोल देते हैं। ऐसी ही मशीन इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में भी इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर जो फीड होपर है, इसका जो होपर पोर्शन है, इसके अराउंड कुछ सर्कुलेटिंग वाटर की भी मदद से इसको ठंडा कर लिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो फीड की जो प्री मैच्योर सॉफ्टनिंग को अवॉइड किया जा सके और साथ में स्प्लाई सिस्टम में किसी प्रकार की ब्लॉकेज से भी बचा जा सके। अगर हम बात करें, जब इसको हम डाल देते हैं तो जो मोटर की मदद, एक पावरफुल मोटर हमें चाहिए, तो उस मोटर की मदद से रोटेटिंग स्क्रू को रोटेट किया जाता है। अब जो रोटेटिंग स्क्रू जब रोटेट करेगा, इसका काम होता है कि जो होपर से मटेरियल और एडिटिव्स आए हैं उनको अच्छी तरह से मिक्स करना और इस बैरल या सिलेंडर के थ्रू पूरा जो मिक्सचर है उसको यहाँ तक कैरी करना। और अब बात करते हैं कि जब हमने इस प्रोसेस को शुरू कर दिया है तो इसमें क्या होगा कि जो सिलेंडर या बैरल है इसको हीट किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। हीटिंग करने के लिए हीटिंग कोयल का इस्तेमाल किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर सकते हैं, स्टीम या ऑयल की मदद ली जा सकती है सिलेंडर की लेंथ के अलोंग, ताकि हमें क्लोजली कंट्रोल टेम्परेचर जोन को हम सेट कर सकें। और इसके अतिरिक्त जब हम बात करें कि ये जो प्रोसेस होती है, जब स्क्रू रोटेट करता है तो उस दौरान क्या होगा कि स्क्रू के रोटेटिंग मैकेनिकल एक्शन के कारण कुछ इंटरनल फ्रिक्शन और सीयर स्ट्रेसेस जो सरफेस होता है बैरल का, उसके अलोंग वो भी कुछ जनरेट होती हैं, तो जिसके कारण हीट पैदा होती है। तो इसके बाद क्या होगा कि जो रोटेटिंग स्क्रू है इसकी मदद से मटेरियल हमारा आगे की तरफ जाएगा। और इस बैरल के तीन सेक्शन होते हैं, एक होता है फीड सेक्शन, मेल्ट सेक्शन और मेल्ट पंपिंग सेक्शन। जो फीड सेक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल हमारा होपर से आया है इसको हमें बैरल के सेंट्रल रीजन तक लेके जाना होता है फीड सेक्शन से, इस रोटेटिंग स्क्रू की मदद से। उसके बाद जो मेल्ट सेक्शन होता है, जिसे हम कंप्रेशन जोन या फिर ट्रांजिशन सेक्शन भी बोल देते हैं, इसमें क्या होता है कि जो स्क्रू कोर का जो डायमीटर होता है वो ग्रेजुअली बढ़ता है और स्क्रू पिच डिक्रीज होती है। तो प्लास्टिक सीरिंग के कारण हीट जनरेट होती है और जिससे यहाँ पर मेल्टिंग है जो शुरू हो जाती है। जो मेल्ट या जो पंपिंग सेक्शन है, इसमें एडिशनल सीरिंग होती है प्लास्टिक की और साथ में मेल्टिंग होती है, और जो प्रेशर बिल्डअप होता है इस डाई की मदद से उसके कारण। अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हमने होपर में
पाउडर फॉर्म में या फिर कह सकते हैं पैलेट्स की फॉर्म में मटेरियल को डाला था, तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा तो हीट के कारण वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जब वो लिक्विड स्टेट में आएगा तो ये जो डाइज हमारे पास है, इस डाइज के थ्रू उसको बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद उसको एक्सट्रूड किया जाएगा, और ब्रेकर प्लेट की मदद अगर हम देखें उसको कट किया जा सकता है आवश्यकता अनुसार, और ये जो लेंथ होती है हमारे सेक्शंस की इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं वो भी आवश्यकता के अनुसार, और वो डिपेंड करेगा कि इंडिविजुअल प्लास्टिक की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उस पर जो इंडिविजुअल सेक्शन है उसकी लेंथ डिपेंड करती है। अब जो एक्सट्रूड जो शेप है, जो शेप बाहर आएगी वो डिपेंड करेगी डाई की शेप के अनुसार। अगर डाई की शेप रोड की है तो बाहर रोड एक्सट्रूड होगा, ट्यूब की शेप है तो ट्यूब एक्सट्रूड होगी। तो डिपेंड करेगा जो डाई की शेप है उसी शेप का पार्ट आगे की तरफ एक्सट्रूड होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि जो एक्सट्रूडेड पार्ट है उस पार्ट को कूल किया जाता है, उसको कूलिंग प्रोवाइड की जाती है, अलग अलग मीडियम के द्वारा कूलिंग की जाती है। जैसे कि जो एक्सट्रूड शेप आप इस डायग्राम में देखें, ये जो पार्ट आपको नज़र आया है ये एक्सट्रूडेड पार्ट होता है, तो इसकी कूलिंग करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले कि एयर के साथ एक्सपोज करके इसको रूम टेम्परेचर पर कूल किया जा सकता है। उसके बाद जो एक्सट्रूड शेप है इसको कंट्रोल टेम्परेचर पर लिक्विड बाथ के थ्रू पास करके कूल किया जा सकता है, या फिर कंप्रेस्ड एयर के जेट के माध्यम से भी इसको कूल किया जा सकता है। तो अगर आप देखें हम क्या क्या जो पर्टिकुलर जो शेप बना सकते हैं, ट्यूब बना सकते हैं, पाइप बना सकते हैं, सीट या फिल्म बना सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चरल पार्ट भी इसमें बनाए जा सकते हैं। और इसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखा जाए कि रैपिड कूलिंग इसमें कभी भी न की जाए एक्सट्रूड शेप के बाद, क्योंकि अगर रैपिड कूलिंग करेंगे तो जो फाइनल या फिनिश प्रोडक्ट है उसमें इंटरनल स्ट्रेन क्रिएट हो जाती हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें मालूम होनी चाहिए कि जो रॉ मटेरियल होता है जो हम होपर में डालते हैं उसका यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज का वो होना चाहिए, साथ में उसका नियंत्रित मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी हमें क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंसेस को मेंटेन कर सकते हैं और फाइनल फिनिश्ड एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट स्मूथ सरफेस फिनिश के साथ हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से इस पूरी प्रोसेस में वर्किंग होती है। और जो यहाँ पर हम थ्रस्ट बेयरिंग का यूज़ करते हैं इसका काम होता है ताकि बैकअप प्रेशर को टेकअप किया जा सके, इसलिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये मशीन आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो एक्सट्रूजन मोल्डिंग मशीन होती है वो इस प्रकार की होती है, मोटर लगा है, होपर लगा है, उसके बाद ये पूरा बैरल लगा होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें इस प्रोसेस की एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज इसका अगर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के साथ इसका कंपेयर करें प्रोसेस के साथ, उसके कंपेरिजन में इसकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस है, हाई यूनिएक्सियल स्ट्रेंथ इसमें हमें मिल जाती है, डायमेंशनल कंट्रोल बढ़िया होता है, कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट शेप इसमें बनाई जा सकती हैं, और प्रोडक्शन रेट भी इसका ज़्यादा होता है। लेकिन इससे जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसको हमें अलग से फिर उस पर कुछ वर्क करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा फिनिशिंग अलग देने की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज जैसे आपके साथ डिस्कस किया था कि रैपिड कूलिंग अगर की गई एक्सट्रूडेड पार्ट की तो उसमें कुछ इंटरनल स्ट्रेन है वो जनरेट हो जाते हैं। अगर हम बात करें मेटल कास्टिंग में, कूलिंग के दौरान मोल्डेड पार्ट श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ प्लास्टिक का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशियंट मेटल के मुकाबले ज़्यादा होता है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशन लॉन्ग ट्यूब बनाई जा सकती हैं, पाइप बना सकते हैं, बार बना सकते हैं, स्टील या प्लेट इत्यादि को इसमें बनाया जा सकता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें यहाँ पर ये गैस ट्यूब बनाई गई हैं, कुछ प्लास्टिक स्ट्रो बनाए गए हैं ड्रिंकिंग वाटर या ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक के लिए, उसकी अगर आप देखें कुछ प्लास्टिक थिन सीट इसमें बनाई गई हैं, तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो प्लास्टिक के इसमें बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया एक्सट्रूजन मोल्डिंग प्रोसेस के बारे में, इसमें वर्किंग प्रोसेस क्या रहती है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और एप्लीकेशंस क्या हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ,
तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।